लो डैडी का जहाज भी आ गया। सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है। सामने वाली समझ की रफ्तार से अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। बस दुआ में आ ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्ले है। वीडियो पूरी देखनी है और अगर नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, अगर शेयर भी कर दो तो हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं गेमप्ले की तरफ। हमने लैंड किया पचंगी में और हमारे साथ दो या तीन स्क्वाड हमारे साथ लैंड कर रहे थे। हमने देखा ऊपर, अभी हमारे साथ ही लैंड किया तो मुझे उतरते यहाँ पे ऊपर 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 जब मैं जाता हूँ तो ऊपर स्कारिल पड़ी होती है, तो मैं स्कारिल उठा लेता हूँ और बंदे के लोग आ चुके हैं और हमारा एक टीममेट भी नॉक हो चुका है। तो अभी सीधा करेंगे रश। आज जिन बंदों ने हमारे टीममेट को किया था नॉक फिनिश, हमने उनको कर दिया फिनिश। और सामने और बंदे, अलग स्क्वाड थी ये, और एक बंदा ब्रोकन वॉल के पास आ चुका था, मुझे नज़र आ चुका था, लेकिन मुझे एक गन चाहिए थी तो इसके पास बैरल पड़ी थी तो मैंने बैरल उठा ली। और स्कारल स्कॉरल पड़ी थी, लेकिन स्कारल में मेरे पास ये मोहतम, ये मैंने नेट करवाया, सामने बंदा पीक करा, लेकिन ये नेट कनेक्ट नहीं होता। मैं वेट करता हूं ताकि मेरा टीममेट पीछे से आ जाए ताकि मुझे कवर मिले, क्योंकि दो बंदे आगे टीपीपी लेके बैठे हुए थे। तो मैंने ड्रिंक वगैरह हील वगैरह किया बूस्ट। दो बंदे इधर फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैंने सोचा रश करते हैं, लेकिन जब जैसे मैंने सुना कि वो शॉटगन रीलोड कर रहा था तो मैंने सोचा नहीं भाई, शूटिंग वेट करते हैं, टीम में आ जाता है। इतने में एक बंदा जंप करके हमारी तरफ आ जाता है और ऊपर बंदा पीक कर लेता है। इसके साथ सर्कल टाइम वाला सीन हो जाता है और इस इनका जो तीसरा होता है वो जंप कर जाता है और नॉक कर देता है, मुझे पता नहीं चलता। फिर यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ और यहाँ पे एक अलग ही स्क्वाड गलत ही नशे करके आपस में फाइट करती थी, तो हमने सोचा चलो थर्ड पार्टी करते हैं। ये तीन बंदे थे अलग अलग, तो ये बंदा भी फिनिश हो जाता है, लेकिन इनका लास्ट लास्ट इधर पीछे छुपा हुआ होता है। जीरो भाई। यहाँ पे मैं फाइट ख़त्म करके जैसे ही अपार्टमेंट्स की तरफ आता हूँ तो हमारे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे ओपन में फाइट चलती है। तो यहाँ पे मैंने दिया एक M3X का स्प्रे, पहले तो खराब हो जाता है स्प्रे, लेकिन जब दूसरी बार मैं स्प्रे करता हूँ तो हेड कनेक्ट होता है, तो देखना क्या सीन होता है।
इनके तीनों कर दिए मैंने, लेकिन इनका जो लास्ट बंदा होता है वो पीछे चला जाता है और ये तीनों फिनिश हो जाएंगे और इनका लास्ट बग्गी लेके यहाँ से निकल चुका होता है। शायद वो कोई रेंज पुश कर रहा था या इनके साथ कोई रैंडम था, तो मैं इनको फिनिश कर देता हूँ। और अभी स्कूल में फाइट कर रही थी और अपार्टमेंट में भी फाइट कर रही थी, तो अभी तक मुझे नहीं पता था कि वो बंदा है कि नहीं है, तो मुझे इमो भी चाहिए, तो मैंने सोचा ये सामने वाले क्रेट्स लूटते हैं, स्मोक वगैरह किया और क्रेट्स लूटते हैं। जे फासा बे जैसे मैं क्रेट लूट के पीछे आ रहा होता हूँ तो इनका जो लास्ट टीममेट है वो पीछे से बड़ा हेवी किस्म का फ्लाइंग करके पता नहीं 360 रोटेट कर कहाँ से पीछे आ जाता है और इसको मार देते हैं। अब पीछे बंदे और इधर सामने बंदे, और ये मैं हो जाता हूँ नॉक और मेरा टीममेट लास्ट बंदे को कर देता है फिनिश और हमारा चिकन डिनर हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर